बात साबित होती है कि देश की चमकती हुई खिलाड़ी वो जो वर्ल्ड फेमस है, जिन्होंने वर्ल्ड में भारत का नाम किया है, आज भारत में उनका अस्तित्व, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो आम बेटी की कैसे होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा ये नारा। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को राइट है कि वो अपनी जो है अन्याय, शोषण और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है। उसके बावजूद पहलवानों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ, उनके सामान क्यों उठाए गए, उनका कनेक्शन क्यों काटा गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति पर लागू है क्या? ये जो दबंग हैं, ये जो क्राइमर लोग हैं या सत्ताधारी लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं तो क्यों बाहर हैं? भारत एक जो है प्रजातंत्र देश है, प्रधानमंत्री के अपने आदमी हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। भारत की जनता सब देख रही है, गद्दार कौन है जो देश के टुकड़े टुकड़े जाति धर्म भाषा के आधार से देश के टुकड़े करता है, वो गद्दार है। और ये जो मसला है पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये जो है बहन बेटियों की इज्जत का मैटर है। और जिस देश में आप खड़ी हैं, जिस देश में मैं खड़ा हूँ, यहाँ का एक कल्चर रहा है कि दुर्गा की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये बेटी के स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ आन बान और शान के लिए गर्दन कटाई जाती है। और ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका सवाल था, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा। और ब्रजभूषण एक जो है ना सिंपल नागरिक नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है, एक डॉन टाइप आदमी है। ब्रजभूषण लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी चढ़ा, कह रहा हूँ कि सबसे पहले उसको जो है जेल में डालें ताकि जांच प्रभावित ना हो। एफआईआर लॉज हो चुकी है, पास्को एक्ट भी लागू है, इन सेक्शनों में जो तुरंत एफआईआर जरूरी है, जहां सबूत की बात है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि यहां केवल पीड़िता का बयान ही काफी है। और मैं एक सवाल और ये आपसे मतलब कहना चाहूँगा, यहाँ देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, होम मिनिस्ट्री के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में है और जो महिला आयोग है उसके भी संज्ञान में है। कहाँ हैं ये संस्थाएं, कहाँ है देश का सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है दिल्ली का हाई कोर्ट, कहाँ? तो सर देश में बेटियों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर यही चीजें आम लड़की के साथ होती तो उस टाइम पे पुलिस क्या करती, घर से उठा लेती उनके लोगों को। इस घटना से क्या साबित होता है कि कितना ही बड़ा अगर नेता है उसने कुछ गलत किया, कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या उस पर? कब हुई, कब हुई? और मैं एक और बात कहना चाहूंगा के इतिहास देखें किसान आंदोलन का, इतिहास देखें पीपली कांड, हरियाणा के अंदर पीपली गांव था, फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार पलटी 1977 के चुनाव में, जो है कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, आज ये सरकार है। इस देश की जनता ना कभी जुल्म बर्दाश्त किया है ना करेगी। इन लोगों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सखदेव, प्रीति लिता और जिसके नाम से एक बेड़ा है झांसी रेजिमेंट, ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से, उन क्रांतिकारियों का, उन देश प्रेमियों का, उन सामाजिक लोगों का खून है और ये डीएनए कभी नहीं। ठीक है सर, क्या नाम है चाचा? ऋषिराम गुराना। ये बताइए सर, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, हफ्तों हो गए आंदोलन चलते हुए, कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, ऐसी क्या दिक्कत है इस आंदोलन? सरकार का नाम जून को निकल है, सरकार ने मुंदी मारांगे छोड़ते नहीं सरकार ने, पूरा वातावरण रह दिया, दिल्ली जाम करनी यही वाली 7 तारीख के बाद, फिर मोदी ने मेरा पटाके आंदोलन। अच्छा, फिर मोदी को पता चलेगा, पता चलेगा।